एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्सीजन किचन। मैं हूं कविता। तो चलिए आज हम मिलके बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल नान। गार्लिक नान का रेसिपी है आज का। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज बनाते हैं आज का हमारा रेसिपी गार्लिक नान। सबसे पहले हम डालेंगे मैदा। मैदा 1.5 कप लिया है मैंने, और सॉल्ट टू टेस्ट। इसके बाद में हम डालेंगे कस्टर्ड शुगर। ये पिसा हुआ चीनी है, पिसा हुआ ही डालिएगा, नहीं तो हमारा डो का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे डाल दिया मैंने बेकिंग सोडा। सोडा है ये, बेकिंग पाउडर नहीं, 1/3 टीस्पून। और इसको हम अच्छी तरह से एक बार ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे दही। ये दही नॉर्मल घर में जमाया हुआ दही है, तो पहले ये दही डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है वो देख के हम पानी का यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब दही से जितना मिक्स होना था हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ सा चिपचिपा सा जो होता है स्टिकी डो तैयार कर लेंगे। और 10 मिनट तक हम कंटिन्यूसली इसको मसलेंगे, क्योंकि इसी से हमारा जो नान का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसको 10 मिनट तक कंटिन्यूसली नीट कीजिए। इससे हमारा जो डो बहुत स्मूथ हो जाता है, 10 मिनट के अंदर स्मूथ हो जाता है। देखिए, मैंने 10 मिनट कंटिन्यूसली इसको नीट किया। अब हमारा सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे। ये ढक के रखना, इसको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको मत छोड़िएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो ये 4 से 5 घंटा भी रख सकते हैं, इससे और अच्छा बनता है। ना हो तो 1 घंटा कम से कम रखिए। तो मैंने तो 5 घंटा रखा था। अब ये देखिए, 5 घंटा के बाद में इतना सॉफ्ट बना हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और उसके बाद में हम इसका लोई निकालेंगे, बना लेंगे अच्छी तरह से। लोई बना के हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे हम कोई तेल का यूज़ नहीं करेंगे, बस हम मैदा से ही हमारा सारा जो डो है उसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरफेस में मैदा डाल दिया है। तो अब ये देखिए, एक लोई ले लिया है मैंने, अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने ओवल शेप में थोड़ा सा बेल लिया है, इसको नान का शेप देने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे ऊपर, और आप डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, और थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे कस्तूरी मेथी। मेरे पास धनिया नहीं था, एक्चुअली में धनिया अच्छा होता है, लेकिन कस्तूरी मेथी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आया। अब हाथों से ही इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में हम हल्के हाथों से इसको उठाएंगे और थोड़ा सा नान का शेप देंगे। इस समय हमारा जो पैन है वो बहुत गर्म है, मैंने पहले हीट करके रखा था। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे रख दिया है। केयरफुली रखिएगा, नहीं तो फिर हाथ चल सकता है। और ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने से नान सॉफ्ट बनता है। दो मिनट के बाद में मैंने पैन को उल्टा कर लिया है और सेक लिया है। इस तरह से हम घुमाते हुए अच्छी तरह से सेकाएंगे। और यहाँ पे आप नॉनस्टिक की तवा का यूज़ मत कीजिएगा। नॉनस्टिक की तवा में जो नान है वो चिपकेगा नहीं। तो हमारा नान बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, बैक साइड में भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इसको हम निकाल लेंगे अभी। और अब गर्मा गर्म नान पे ही हीटेड बटर जो है उसको ब्रश कर लेंगे। और ये सेकेंड नान है मेरा, दूसरा नान, इस पर भी बटर जो है स्प्रेड कर लेंगे, मेल्टेड बटर। ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म नान बनके तैयार हो गया है। इसको मैंने दाल तड़का और प्याज का सैलेड के साथ में सर्व किया है। आप यहाँ पे मटर पनीर, शाही पनीर या दाल मखनी, आपको जो पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मटर पनीर का बहुत ही आसान से रेसिपी मेरे चैनल में है, आप देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।